हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम फिर से लेकर के आ गए आपके लिए बहुत इजी सा और बहुत सस्ता सा क्राफ्ट, जो कि बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से हमेशा की तरह होने वाला है। एक्चुअली मुझे मैपल ट्री बहुत पसंद है, तो ओरिजिनल तो हम लग नहीं सकते, तो आज हमने सोचा उसी को कुछ आर्टिफिशियल मैपल ट्री बनाते हैं और आपके साथ उसको शेयर करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये कैसा बना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, हमने पॉलीथीन ले ली है इस तरीके की, और इसके बाद हम इसको कट करेंगे लंबे लंबे फॉर्म में। हम इसको कट कर देंगे, देखिए सीधा सीधा बहुत इजीली ये कट हो जाएगी और बहुत ही इजी सा क्राफ्ट होने वाला है आपके लिए। और आप देखिए पॉलीथीन हमारी कट चुकी है। देखिए इतनी लंबी लंबाई आपको समझ में आ रही होगी लेंथ इसकी। अब हमने सेलो टेप लिया है और इस तरीके का लोहे का तार लिया है, जिसपे हम अब सेलो टेप लगाते हुए पन्नी को इसमें चिपकाते जाएंगे, फोल्ड कर लेंगे बहुत ईजिली। ये देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होती जाएगी, आपको वीडियो में अच्छे से दिख पा रहा होगा। ये देखिए हमने इसको, अगर आप तार को नीचे से इस तरीके से मुड़ते हुए फोल्ड करेंगे पन्नी को, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए फोल्ड हो जाएगी। और ये हमारी देखिए पन्नी अच्छी तरीके से तार में बिल्कुल लपेट गई है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें अच्छे से लपेटने के बाद हम इसमें फैसालो टेप और लगा देंगे, जिससे कि ये निकलेगी नहीं। और देखिए हमारी बिल्कुल तार लपेट के तैयार हो चुकी पन्नी पे। और अब हम इसको जला लेंगे कैंडल की हेल्प से, ताकि ये तार पे बहुत अच्छी तरीके हमारी पॉलीथिन चिपक जाए। ऐसी ही तार हमें कम से कम चार बनानी है इसी लेंथ की। आप देख सकते हैं हमने चारों अपनी तारें बना करके तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। इसके बाद हम इसकी मैपल ट्री की लीव्स बनाने का काम करेंगे। उसके लिए हमने देखिए ये धूप बत्ती के मेरे पास इस तरह के रैपर्स पड़े हुए थे, जो कि ये कार्डबोर्ड का काम करेंगे। आपके पास कोई भी रैपर्स हों जो कार्डबोर्ड की तरीके हों, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमने एक लीव्स का शेप कट करके रखा था, जिससे हम अपनी सारी लीव्स को बनाएंगे इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद। इस तरीके से ड्रॉ करना ईजी रहता है पहले से ही बना करके, इसलिए हमने रख लिया है। और देखिए हमारी शेप बन के रेडी हो गई है लीव्स की, और हम इसको कट कर रहे हैं। कट करने के बाद देखिए हमने सारी अपनी लीव्स को कट कर लिया है, कुछ इतनी लीव्स हमको मिल गई हैं कट करने के बाद। और हम इसकी लीव्स की शेप को अच्छे से ड्रॉ करेंगे ग्लूगन की हेल्प से। ये देखिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं। हम आपको एक लीव्स पूरी कंप्लीट करके दिखाएंगे, और उसी तरीके से हम अपनी सारी लीव्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक लीव्स बन के रेडी हो चुकी है, और मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए हमने लीव्स को ड्रॉ कर लिया। ये देखिए हमारी सारी लीव्स इसी तरीके से बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम अपने तार को लेंगे और अपनी लीव्स को इसमें फिक्स कर देंगे ग्लूगन की हेल्प से। देखिए फ्रंट में और लास्ट में हम करेंगे तार के। ये देखिए हमने एक चीज तार इस तरीके से कंप्लीट कर लिए। इसी तरीके से हम अपनी चारों तार में लीव्स को इस तरीके से इसमें फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने चारों तारों को अपनी लीव्स लगा के रेडी कर दिया है। अब हम इसमें गोल्डन कलर का कलर कर रहे हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कोई भी कलर पसंद हो आप उस तरीके कर सकते हैं। मैंने एक दूसरा भी बनाया है जिसमें मैंने रेड कलर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लीव्स का शेप। ये देखिए हमारा कलर करके रेडी हो गया, और इसकी शेप हमने थोड़ा सा तार को मोड़ दिया, आपको दिख पा रहा होगा। इसी तरीके से हमने अपनी चारों तार को रेडी कर दिया है। अब मैं इसको अपने फ्लावर पॉट में आपको डेकोर करके इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी, कि कितना बढ़िया और कितना एलिगेंट इसका लुक आ रहा है। ये देखिए मैंने इसको डेकोर कर दिया है कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर के फ्लावर वॉस के साथ। मुझे तो इसका लुक अभी से बहुत बढ़िया लग रहा है। आप इसको अपनी टेबल पर डेकोर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल सिंपल सा है, एलिगेंट सा है, मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। अगर आपको भी इस तरीके का पसंद आ रहा है, देखिए मैंने अब आपको वीडियो दिखाया है, जो ये मैंने रूम की लाइट ऑफ करके वीडियो दिखाया है, और जो पहले वीडियो दिखाया था वो उस रूम की लाइट ऑन करके दिखाया था। मुझे दोनों ही लुक इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो भी अच्छा लग रहा हो लुक, आप उस हिसाब से अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने मैपल ट्री इस तरीके का बनाया है, जिसके लिए मैंने पिंक कलर का कलर किया हुआ है। जो लीव्स हैं ये मैंने कार्डबोर्ड से ना बना करके इसको मैंने ट्रांसपेरेंट फाइल आती है उससे बनाया है, क्योंकि हम इसको वॉशेबल बनाना चाहते थे। कार्डबोर्ड वाला आप धुल नहीं सकते, लेकिन वॉशेबल आप धुल सकते हैं और इसको अच्छे तरीके डेकोर कर सकते हैं। जो रेड लीव्स वाला मैपल ट्री आप देख रहे हैं, जिस पॉट पे रखा हुआ है, ये हमने अपने चैनल पे वीडियो बनाया हुआ है कि ये पॉट हमने कैसे बनाया है। आप वीडियो को जरूर देखें और सीखें, बहुत ही इजी और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है ये। और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करिए, खूब सारा शेयर करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी दिखाइए और सिखाइए कितने वेस्ट मटेरियल से कितने डेकोर आइटम बन सकते हैं सुंदर सुंदर। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।